अस्सलाम वालेकुम, मैं अल मुआलिज हकीम फजलिल्लाही। मैं करूंगा इलाज आपकी गजा के साथ। प्रोग्राम इलाज गजा के साथ, देखते रहिए बुराक न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अल मुआलिज हकीम फजलिल्लाही। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके जुमला अमराज जिस्मानी से शिफा के लिए फितरी तरीक़ा के मुताबिक आगाही व तहफ़ और इलाज की कोशिश करूँगा। इलाज बिल गज़ा व इलाज बिल दवा का पूरा निज़ाम शदीद भूख की मामनत पर कायम है। भूख पैदा करने के लिए गज़ा को रोक कर कम मकदार में मजाज के मुताबिक लतीफ़ अग्जिया व अदवियात। इंसान की गज़ा का दरमियानी वक्फ़ा कम अज़ कम 6 घंटे होना चाहिए, लेकिन मरीज़ के लिए गुज़ा का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है, जो तकरीबन 1 दिन से लेकर 7 दिन तक मरीज़ की ज़रूरत के मुताबिक हो सकता है। गज़ा हमेशा चबा चबा कर खानी चाहिए ताकि लुआब दहन खूब शामिल होकर हाजमा को तकमील तक पहुँचाए। अगर प्यास हो तो ज़रूरत के मुताबिक गज़ा से कबल व दरमियान हसब तमन्ना पानी पिया जा सकता है, मगर गज़ा के इख्तिताम पर 1 घूंट से ज़ायद पानी बदहज़मी का बायस बनता है। शदीद भूख पर गज़ा खाने से खून की पैदाइश का तसलसल मुकम्मल तौर पर बहाल रहता है। आद की अज़ा व खून से सफाई होकर साले इखलात असेंशनल टिश्यूज़ फ्लूड्स पैदा होकर नया खून पैदा होता है। दायमी सेहत व शिफा का दारोमदार साफ खून पर कायम है। अब हम आगे चलकर मुख्तलिफ बीमारियों मसलन तपदिक, खांसी, दमा, हेपाटाइटस, अमराज खून, थैलासीमिया, ब्लड प्रेशर, जिस्मानी कमज़ोरी, गिल्टियाँ वगैरह के इलाज व तहफ़ और आगाही के मतलब बात करेंगे। अपनी आरा और रहनुमाई के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें और आखिर में अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए। देखते रहिए बुराक न्यूज़ व अस्सलाम अल मुआलिज हकीम फजलिल्लाही।